सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आपके सामने कुंडली दिख रही है ये एक इंजीनियर की कुंडली है, जो कि आप अगर देखेंगे मतलब ये एक छोटा सा कुंडली का विश्लेषण है। इंसान अपने प्रोफेशन को किस तरह से चूज़ करता है या वो अपने प्रोफेशन में किस तरह से जाता है, उसके लिए उसको कितना एजुकेशन चाहिए या फिर टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, किस तरह की एजुकेशन उसको चाहिए, तभी वो अपने जो उसका मतलब चेस किया हुआ टारगेट रहता है कि मुझे ये बनना है या इस प्रोफेशन में जाना है। यहाँ पर देखिए कुंडली जो है वो है मकर लग्न की कुंडली और राशि जो है वो है मिथुन राशि। मकर लग्न की कुंडली में मिथुन राशि बना हुआ है, लग्न जो है श्रवणा नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है वो आद्रा नक्षत्र में है। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है, दो तीन चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करें तो मतलब ये वीडियो मेनली जो मेरा है वो मैं अपने रिसर्च के ऊपर और आप लोगों को जस्ट कुंडली के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में राहु के साथ विराजमान हो गए। वैसे एजुकेशन को अगर देखें, क्योंकि लग्नेश तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से इंसान के अंदर कर्मठता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, अपना भाग्य खुद बनाते हैं, मतलब अपने कर्म पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। प्लस इनका जो एजुकेशन देखिए, प्राइमरी एजुकेशन हम देखते हैं चौथे भाव से और एडवांस एजुकेशन हम देखते हैं पंचम भाव से, प्लस कुछ व्यवहारिक ज्ञान जो हम दूसरे भाव से भी देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो चौथे भाव में सूर्य की उच्चतम दृष्टि पड़ रही है, प्लस चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु और केतु के साथ यहाँ पर युति बनाकर बैठे हैं भाग्य भाव में, और भाग्येश की दृष्टि जो है चौथे भाव में पड़ रही है। मतलब ये इंसान जो है अपने प्राइमरी एजुकेशन में अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, प्लस उसका जो एडवांस एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन में वो बंदा और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गया, क्योंकि शुक्र की यहाँ पर अपने ही घर में पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, जिस वजह से उनकी बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिली। सिर्फ मिली ही नहीं, ये बंदा मेहनते भी उतना है, क्योंकि राहु भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। राहु यहाँ पर ऐड होने की वजह से शनि को, हालांकि शनि वहाँ पर वक्री हैं, तो राहु जिनके साथ रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, मतलब उनके पावर को बढ़ा देते हैं। तो राहु शनि का योग तीसरे भाव में व्यक्ति के पराक्रम को तो बढ़ाया है, प्लस मेहनत करने की एबिलिटी को बढ़ाया है। यानी ये इंसान जब पढ़ने बैठता था तो घंटों बैठ के पढ़ सकता था, ऐसी एबिलिटी इनके अंदर थी। इनफैक्ट जब वो करियर में भी जाते हैं तो वहाँ भी घंटों बैठकर एक काम कर सकते हैं। इनका फोकस बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि पंचम भाव में पंचमेश की दृष्टि है, चौथे भाव में बुध और सूर्य की दृष्टि है, प्लस जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर गुरु के साथ। तो व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ इनके एजुकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई। और गुरु की महादशा में, जो कि 6/6/2084 में हुई, गुरु की महादशा में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। गुरु देखिए इस कुंडली के हिसाब से गुरु जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण इनको काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा, और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण इन्होंने वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अच्छा खासा धन कमाया, पैसा कमाया। एक टाइम तक वो इतना पैसा कमा चुके थे कि अपने देश में भी प्रॉपर्टी थी और विदेश में भी प्रॉपर्टी थी, अच्छा खासा इनके पास पैसा इन्होंने बनाया था, प्लस प्रॉपर्टी भी बनाया था। क्योंकि प्रॉपर्टी की स्थिति जो है यहाँ पर देखें तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, तो इन्होंने अच्छे से प्रॉपर्टी भी बनाई, ठीक है। और शनि की महादशा में ये जब इंडिया आए वापस तो इन्होंने एज एन एडवाइज़र काम चालू किया, मतलब अपनी खुद की कंपनी खोली, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कराने के बाद मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट किया, प्लस और भी बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट किया। आज के डेट में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी चला रहे हैं, जो कि
करोड़ों का बिजनेस करती हैं, अरबों का बिजनेस करती हैं, बहुत बड़ी कंपनी है इनकी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है, देखिए सूर्य नीच का होते हुए भी दिग्बली बना हुआ है, सद्बली बना हुआ है। दिग्बली बनने के कारण दसवें भाव में सूर्य अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। नीच का होते हुए भी यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छा एजुकेशन भी मिला, बहुत अच्छी नौकरी भी मिली, जॉब भी करा इन्होंने। जॉब करने के बाद आज के डेट में अच्छा खासा एक कंपनी चला रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग पार्ट्स या इंजीनियरिंग वर्क्स में ज़्यादा फोकस करती हैं, नॉर्मली इस तरह के काम को ही करती है। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली इनका अपना खुद का कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन ये बड़े 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 ब्रांड के लिए काम करते हैं। मतलब बड़े ब्रांड में जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ये करते हैं। तो सूर्य भी अगर यहाँ पे उच्च का होता या स्वगृह होता तो इनका नाम मतलब इनका ब्रांड खुद होता। ये सूर्य दसवें भाव में हालांकि बलि होने के साथ साथ इनको काम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, बट इनको वो फेम नहीं मिल पाया, क्योंकि कर्मठ हैं, फोकस रहते हैं अपना, जिसको कहते नहीं पूरा फोकस काम पे देते हैं। और जिसको कहते नहीं है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मुंह बंद करके चुपचाप अपने काम पे दिन रात लगे रहते हैं, तो ये उन लोगों में से, ये अपने काम का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते। मतलब ये ऐसे लोगों में से हैं जो मतलब इनका काम ही ऐसा होता है कि इनका काम ही बोलता है और इनका काम ही इनको मार्केटिंग करके देता है, इतने सटीक और परफेक्ट काम करते हैं। इसलिए इनके अंडर में मतलब ये जो है अपनी कंपनी में बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए खुद इंजीनियरिंग पार्ट्स जो है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। दशा के हिसाब से शनि की महादशा जो है ये 2019 में ख़त्म हो गई है, अब बुध की महादशा स्टार्ट हुई है। बुध जो है इनके कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, तो इस वजह से अभी फिलहाल इनको थोड़ी सी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तबीयत इनकी थोड़ी ख़राब रहती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं और भाग्येश भी हैं, लेकिन भाग्य इनका इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि आज के डेट में वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। तो ले देखे देखा जाए बहुत ही साधारण कुंडली लग रही है, लेकिन बहुत ही असाधारण इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, यानी अगर बनते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी अमीर बन सकते हैं एज अ प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन तो ये इंजीनियर है, आपकी कुंडली में कौन सा प्रोफेशन बनता है उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें, अपना नाम और अपना काम जो है लोगों को दिखा सकें, ऐसा अपना कुंडली में अगर ढूंढ सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा योग बनता हो तो समझ लो कि आप सोने पे सुहागा, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएं।